गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? हाँ बोलो, और सब? बहुत, हाँ बच्चा सब का रिक्वेस्ट था, कमेंट में मैं भेजता था, सर मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाइए। तो ये मेटल नॉन मेटल जो है, हम ऑलरेडी यूट्यूब पर 4 स्लाइड में दिया हुआ हूँ। अगर डिटेल अगर आपको स्टडी करना है तो आप प्लीज़ उस जो 4 वीडियो आपका है, वो मोर और लेस तुम्हारा 32-35 मिनट्स का वीडियो है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये जो आज जो हम तुमको बताएंगे मेटल नॉन मेटल, ये रिवीजन है, और पूरी चैप्टर मोर और लेस 1 घंटा में हम ख़त्म करेंगे। और उसके साथ साथ आपका MCQ, जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वही 20 मार्क्स जो 10 क्लास 10 बोर्ड में मेन होता है कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा भागेगा। तो और जो बच्चा अगर वो 20 MCQ कर लेता है तो उम्मीद रखो वो बच्चा 95+ ही स्कोर करता है। कभी कभी तो अगर आपका 20 अगर वो सही है तो 100 यानी 80 में 80 भी मार्क्स आ जाता है। तो समय को न गमाते हुए मैं शुरू करूं? हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? रास्ता नहीं दिखाई देता है? अरे जहां तक दिखाई देता है वहां तक तो चलो, जहां तक दिखाई देता है वहां तक चलिए। जब वहां पहुंचिएगा तो खुद वहां से आगे रास्ता दिखाई देना शुरू कर देगा, ठीक है? इसलिए ये नहीं कि आगे क्या होगा, जहां तक आपका है वहां तक चलो ना, उसके बाद देखेंगे। अब देख लो क्या होता है, ये मेटल नॉन मेटल है, बहुत लड़का ये थी रहता है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। जिसे आप गोल्ड देखते हो, सिल्वर देखते हो, आयरन देखते हो, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इस सब आदमी देखे हो, तो ये क्या होता है? ये मेटल है तुम्हारा। नॉन मेटल जैसे सल्फर आता है, आयोडीन होता है, कार्बन का नाम सुने होंगे, तो कार्बन क्या होता है नॉन मेटल में? तो ये जो एलिमेंट है, सब आदमी पढ़े हो, 9 क्लास में ही पढ़े हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो एलिमेंट है तुम्हारा, तो मोर और लेस एलिमेंट जो है, देख लो ये एलिमेंट देख लो अभी तक डिस्कवर हुआ है, ध्यान से समझना। और ये 117 एलिमेंट ही मिलके जो भी नेचर में जो सब्सटेंस देखते हो, जिसको केमिस्ट्री के भाषा में आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल्स बोलते हो या कंपाउंड बोलते हो, तो इसी एलिमेंट से मिलता है, बनता है। माने ये टोटल एलिमेंट जो है 117 है, और उसी 117 एलिमेंट से नेचर में जो भी सब्सटेंस आप देखते हो, चाहे वो लिविंग सब्सटेंस हो या नॉन लिविंग सब्सटेंस हो, इसी 117 एलिमेंट से बनता है। क्या बोली? जैसे आप बोलते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। बोलते हो प्रोटीन है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये क्या है, एलिमेंट है। अब इसी एलिमेंट को क्या किया, ग्रुपिंग किया, क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हर एलिमेंट का अपना अपना कैरेक्टर होता है, अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, और उस तरीके से वो बिहेव करता है। आप ये भी पढ़े हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो, और उसी स्टेबल के लिए या तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जिसके साथ जाता है कंपाउंड जो बनाता है सब्सटेंस, और जैसे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो वो क्या होता है, अब वो स्टेबल हो जाता है। जैसे कहते हो ना हम लोग के यहाँ कि लड़का अगर बदमाशी कर रहा है, नहीं पढ़ लिख रहा है, तो उसका शादी कर दो, तो इधर उधर नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ होता है, जैसे वो एलिमेंट कंबाइंड करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाता है तो अब क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो इस आधार पे और किसी भी एलिमेंट का जो आप रिएक्टिविटी भी जो पढ़ते हो, तो इसी पे रिएक्टिविटी भी मेजर किया जाता है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितनी जल्दी वो
इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितनी जल्दी लूज करेगा उसके साथ क्या होगा, उतनी जल्दी वो कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो ये 117 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है, तो आपके 10 क्लास में तो दिए हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन मेन जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है वही कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसी के आधार पे माने दो एलिमेंट व्हिच हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो जो लूज करेगा, मान लो कोई ए एलिमेंट है सपोज करो, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, तो अब क्या बन गया, ये ए प्लस बन गया, तो ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है मेटल। और ये देखो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो समटाइम मेटल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, माने दोज एलिमेंट व्हिच हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट में ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो वैसे एलिमेंट को क्या बोलोगे, मेटल कहा जाता है। और क्योंकि वो जब लूज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा, समटाइम इट माने मेटल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक इसका उल्टा आ जाओ, नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल माने दोज एलिमेंट व्हिच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, माने वो गेन करने की एबिलिटी होती है। तो जब गेन करेगा तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो निगेटिव आयंस बनाएगा ना, तो तब नॉन मेटल को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे सपोज करो कोई ये बी एलिमेंट है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, देख लो बी माइनस हो गया, तो ये जो चार्ज माइनस देख रहे हो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस बी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो, नॉन मेटल। और यहां पर देखो ये निगेटिव आयंस बनाता है, इसलिए इसको नॉन मेटल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ये आपके 10 क्लास में नहीं दिया, हम ये मैंने समझाने के लिए आपको बताए हैं कि जो ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो कैटेगरी बनाया, एक ऑन द बेसिस ऑफ लूजिंग एबिलिटी और दूसरा गेनिंग। तो जो एलिमेंट में ये एबिलिटी है लूज करने का तो उसको मेटल बोल देते हो, जिसमें गेन करने का है तो उसको आप क्या बोल देते हो, नॉन मेटल। एक कैटेगरी और होता है कुछ एलिमेंट, ना वो लूज करता है ना गेन करता है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, तो वैसे एलिमेंट को कहा जाता है मेटलॉइड। ये देखो क्या बोलोगे, मेटलॉइड। और आज के युग में इसको बोला जाता है हाइब्रिड एलिमेंट, हाइब्रिड, ना ये लूज करता है ना गेन करता है, क्या करता है, दे शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो माने टोटल एलिमेंट को अगर देखो तो तीन कैटेगरी बनाया, मेटल, नॉन मेटल, और एक दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, मेटलॉइड हो गया। समझ में आया, बोलो किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े, क्या बोले। अरे एक एग्जांपल से समझो, तुम ही बताओ कोई एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, सोडियम, चलो ये देखो ये Na है, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, देखो 2i2 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो नियोन के जैसा हो जाएगा इनर्ट, तो अब ये एलिमेंट अगर ये लूज करेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो
Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यहां पे अगर जब वो लूज नहीं किया था तब देख लो इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें, जल्दी बोलो 11 बोलते थे, प्रोटॉन कितना था 11। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन क्या रहेगा 11। एक लूज कर दिया ना, इसलिए यहां पर प्लस आ गया। सेम चीज नॉन एलिमेंट में होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, प्रोटॉन क्यों ही रह जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलो। खूब मुस्कुरा रहे हो, अब आ जाओ जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, माने ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले थोड़ा सब फिजिकल प्रॉपर्टी समझो, फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, उसको केमिकल रिएक्शन नहीं करा है, उसका अपीयरेंस, उसका शेप, कैसे वो नेचर में रहता है। तो उस आधार पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, अगर लोगे पहले मेटल लो, दोनों एक साथ हम ले रहे हैं, देख लो पहला आता है फिजिकल स्टेट। तो यहां पे क्या कहता है, ध्यान से देखो, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मोस्टली जो मेटल होता है वो नेचर में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। एक्सेप्शन याद करना है, मरकरी देखो Hg, ये क्या होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा देखो गैलीलियम, ये 30 डिग्री पर देख लो ये लिक्विड हो जाता है। CS देखो सीजियम, इस दोनों का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, अगर इसको पाम पे रखोगे ना तो ये वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। ये देखो लो एमपी इवन मेल्ट ऑन द पाम, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर तुम्हारा 37 डिग्री है। तो कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 37 डिग्री से अगर कम होगा तो उसको तो ऐसे भी ओपन रखोगे तो क्या होगा, वोलेटाइल होना शुरू हो जाएगा तुरंत मेल्ट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही कम है। ठीक है, तो याद रखना है क्या एचजी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सेप्शन में। दूसरा देखो क्या कहता है, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। नॉन मेटल क्या होता है, कुछ ही नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में होता है, मोस्टली जो नॉन मेटल है वो गैसियस स्टेट में होता है। एक्सेप्शन देखो क्या है, बेरियम, ये लिक्विड स्टेट में है, ये याद करना है आपको। दूसरा कैरेक्टर देखो क्या होता है, लस्टर, लस्टर मीन्स क्या होता है, माने दो सब्सटेंस दे हैव द साइनी अपीयरेंस, जैसे कृतिका बोलती है ना कि सर बहुत चमकता है, तो चमकना जो बोलते हो साइनी अपीयरेंस। देखो क्या कहता है, मोस्ट मेटल्स हैव साइनी सरफेस एक्सेप्ट अल्मुनियम मैग्नीशियम, ये क्या होता है व्हाइट होता है। नॉन मेटल जो होता है वो नॉन लस्टरस होता है एक्सेप्ट आयोडीन, ये याद रखना है, ज्यादा नहीं इस पर बोलना है, आगे बढ़ो। हार्डनेस देखो, तो जब वो फिजिकल स्टेट मेटल क्या था, सॉलिड था, तो मेटल क्या होगा, हार्ड होगा तुम्हारा। देखो मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन देखो क्या आता है, अल्कली मेटल्स, इसमें लिथियम सोडियम पोटासियम और सिल्वर Au देखो, सॉफ्ट इवन कट विद द नाइफ, माने इतना सॉफ्ट होता है ये चाकू से भी काट सकते हो, कोई कंफ्यूजन है क्या, आगे बढ़े। दूसरा देखो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल क्या होता है सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शन क्या है डायमंड, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। ठीक है, और ये जो डायमंड जो बनता है वो कार्बन से बनता है, तो कार्बन का जो नेचर में देखोगे दो फॉर्म होता है ऑलोट्रॉफ, ये जो फॉर्म, इसे कभी कभी आप क्या देखते हो कुछ बहुरूपिया होता है कि आपके यहाँ इसे वो भीख मांगने का तरीका सीखता है, कभी काली का रूप लेके आवेगा, कभी हनुमान जी का रूप आवेगा, तो फिजिकली तुमको डिफर लग रहा है लेकिन इंटरनली तो वो एक ही आदमी है। तो इस टाइप के जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसी को कहा जाता है ऑलोट्रॉप्स। तो कार्बन का दो ऑलोट्रॉप्स होता है, एक तुम्हारा डायमंड हो गया, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। तो उसमें जो डायमंड, तो डायमंड कार्बन से हमने बोला बना है,
कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये देखो मेन जो प्रॉपर्टी देखो, मैलेबिलिटी, मैलेबल सब्सटेंस। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, हथौड़ा मारो और अगर वो सब्सटेंस बिना टूटे हुए थीन सीट में कन्वर्ट होने लगे तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है मैलेबल सब्सटेंस, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलेबिलिटी। समझ में आया मेरी बात? बोलते हो ना कि ठोकेंगे तो एक होता है कि ठोकने के बाद टूट जाना, तो मैलेबल नहीं हुआ। एक हुआ कि ठोकने के बाद टूटता नहीं है, चिपकते चला जाता है, तो उस वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है मैलेबल। देख लो, मेटल्स कैन बी बीटन इन टू द थीन सीट्स, तो इसलिए ऑल द मेटल्स आर मैलेबल। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो? मैलेबिलिटी। गोल्ड देखो मैलेबल, सबसे बेस्ट मैलेबल जो होता है वो गोल्ड होता है और सिल्वर, तो उस माने सबसे बेस्ट माने सबसे ज्यादा मैलेबल तो क्या होगा? गोल्ड होगा। और क्या होता है गोल्ड में कि छोड़ो आगे पढ़ना, देखो नॉन मेटल क्या होता है तुम्हारा? नॉन मैलेबल होता है, ये ब्रिटिल हो जाएगा, टूट जाएगा। नॉन मेटल एक वर्ड वहां पर देखोगे एनसीईआरटी में ब्रिटिल दिया हुआ है, तो टूटना होता है। देखो दूसरा देखो डक्टिलिटी। अब यहां देखो क्या होता है, अब कोई सब्सटेंस है अगर उसको आप गर्म करते हो, मेल्ट करते हो और उससे अगर घिसते हो तो वायर के जैसे घिंचाने लग जाए, धागा के जैसे, तो वैसे सब्सटेंस को डक्टाइल सब्सटेंस कहा जाता है और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। तो मेटल्स डू ड्रॉन इनटू द थिन वायर, सबसे बेस्ट होता है गोल्ड। 1 ग्राम अगर गोल्ड ले लो तो उससे वायर जो है 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। इसीलिए देखोगे जनरली तुम्हारा जो ऑर्नामेंट्स होता है या तो गोल्ड का होता है या सिल्वर। कभी कभी पूछता है कि इतने मेटल है तुम्हारे नेचर में, 80% मेटल है, 20% नॉन मेटल है, तो 80% मेटल में माने ऑर्नामेंट मेकिंग में गोल्ड ही सिल्वर क्यों यूज किया जाता है? तो एक उसका प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी होता है और दूसरा प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। इसी 2 प्रॉपर्टी के आधार पे, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी ऐसा है कि कोई भी मेटल को शेप साइज को आप चेंज कर सकते हो। तो देखो क्या आता है, देखो अबव 2 प्रॉपर्टीज मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपने अनुसार उसको शेप को चेंज करो। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना मैलेबिलिटी होता है ना डक्टिलिटी होता है। समझ में आया? बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो कंडक्टिविटी। सब आदमी पढ़े हो कंडक्टर। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? दो सब्सटेंस व्हिच पास द हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हीट भी अगर पास हो रहा है कोई भी सब्सटेंस के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है कंडक्टर और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। तो मोस्टली जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है। देखो क्या कहता है, मेटल्स आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो होता है सिल्वर एंड कॉपर, ये थोड़ा सा याद रखना है। लीड HZ पुअर कंडक्टर्स होता है। नॉन मेटल जो होता है या तो पुअर होता है या बैड कंडक्टर होता है। या तो पुअर मतलब क्या हो, कंडक्ट नहीं करता है, कम करता है, बैड माने करता ही नहीं है। एक्सेप्शन देखो क्या आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये नॉन मेटल है। याद करो कहाँ बताए थे, ऑलोट्रॉप्स, कार्बन का है। ग्रेफाइट इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ द कार्बन। ग्रेफाइट नहीं देखे हो घर में, जाओ ना यहाँ क्लास के बाद पेंसिल का नोक ही देखना, दैट इज द ग्रेफाइट। याद देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स मेटल क्या होगा? हाई MP, हाई BP होगा, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। देख लो नॉन मेटल का मोस्टली नॉन मेटल क्या होता है? लो MP एंड BP होता है। एक्सेप्शन दिए हुआ देखो डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
बहुत ज्यादा होता। देखो 39-30 डिग्री सी, ग्रेफाइट का देखो 2600 डिग्री सी। अब यहाँ पर देखो दूसरा भी हुआ है डेंसिटी, तो जब अगर उससे भी कोरिलेट कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, एक्सेप्शन दिया हुआ है अल्कली मेटल्स। देखो माने इतना माने कम डेंसिटी होता है कि इवन इट फ्लोट ऑन द वाटर। नॉन मेटल का क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। सॉल्युबिलिटी देखो, मेटल्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट बट नॉन मेटल इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मेटल्स क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्वेंट में, नॉन मेटल जो है ना पर्टिकुलर ही सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होता है। दूसरा देखो एलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स फॉर्म्स, ये मेटल की एबिलिटी होती है। एलॉय क्या होता है कि माने वो टू और मोर मेटल को एक साथ होमोजीनस मिक्सर बनाया जाता है। होमोजीनस क्या कि मैंने मिलने के बाद एक समान दिखाई दे, नहीं तो हर मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मिलने के बाद एक प्रॉपर्टी हो जाता है, तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है एलॉय। तो ये मेटल में होता है जैसे स्टेनलेस स्टील, बट नॉन मेटल डू नॉट एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ दो। एलॉयड विद द आयरन टू स्टील, जो भी स्टील जो देखते हो आयरन के साथ कार्बन को मिलाया जाता है, तो नॉन मेटल एलॉयड नहीं होता, एक्सेप्शन एक है कार्बन का। लास्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टी सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको एक्सट्रैक्ट करते हो और दे प्रोड्यूस रिंग लाइक साउंड, तो वैसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनरस। तो देखो मेटल्स स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस प्रोड्यूस साउंड बट नॉन मेटल डू नॉट। तो नॉन मेटल क्या हो गया, नॉन सोनरस हो गया, सोनरस हो गया तुम्हारा मेटल। इसीलिए देखोगे मंदिर में जाते हो जो घंटा सब सब मेटल का बना रहता है, सबसे बेस्ट फिर वही आ जाएगा गोल्ड और सिल्वर, लेकिन जनरली देखोगे वो एलॉय रहता है मंदिर में या तो कॉपर का रहता है। तो ये इतना फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी में देख लो ऑफ मेटल्स में। सबसे पहले जानो मेटल्स का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नॉन मेटल का तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम दी हुआ है, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो मोस्टली जो मेटल होता है वो एयर से रिएक्ट करता है या एयर के प्रेजेंस में वो बर्न करता है, और जब बर्न करेगा तो मेटल प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो देखो क्या कहता है, मेटल्स बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। देखो मोस्टली मेटल रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल दियो, देखो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन इजकल टू मेटल ऑक्साइड। जिसे एग्जाम्पल दिया कॉपर को, देखो अगर बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ द एयर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर टू ऑक्साइड लिखा हुआ है। उसी तरीके से अल्मोनियम को देख लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अति करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्मोनियम ऑक्साइड। ये कंफ्यूज कर रहा है कॉपर टू, एक्चुअली क्या होता है देख लो, ये जो कॉपर होता है तो इसका वैलेंसी वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, है एबिलिटीज में। ये एक देके भी क्या होता है, स्टेबल होता है, या दो देके भी स्टेबल होता है। तो जब एक देता है तो उसको कहा जाएगा क्यूपरस या कॉपर फर्स्ट, अगर दो देगा तो क्यूपरिक, इसको आप बोल सकते हो क्यूपरिक ऑक्साइड। यहां पर कॉपर टू, ये टू का मतलब हुआ कि दैट कॉपर लूजेस टू इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से आयरन में भी देखोगे, आयरन दो भी देता है और तीन भी देता है, तो दो देगा तो फेरस या आयरन टू, अगर तीन दे दिया तो फेरिक। हाँ बोलो क्या इसमें बोल पूछ रहे थे। हाँ भैया, तो ये तो जरूरी है कि अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो ये तो आप 9th क्लास में पढ़े हो, हमने आपको केमिकल रिएक्शन ही बताया कि जो बच्चा को केमिकल फार्मूला लिखने आ गया तो समझो कि आधी केमिस्ट्री वो पढ़ गया। अगर केमिकल फार्मूला नहीं आता है तो फिर तो भगवान ही भला करेगा आपको। अब देखो क्या होता है कि जब वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड। अब उस मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोऑक्साइड बन जाता है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि ऑल द मेटल या मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। क्या बना दिया, हाइड्रोऑक्साइड। जिसे वो
ये सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो ये बन गया, देख लो Na2O। अब इसको अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा NaOH। तो देखो क्या बन गया, OH आ गया, यानी बेस हो गया, बेसिक। तो इसलिए यहां पर क्या कहा जाता है कि ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हाँ, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। जिसे नॉन मेटल में देख लो, ये कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो ये CO2 बन गया। अब इसको अगर H2O से रिएक्ट कराओगे वाटर से तो ये बन जाएगा H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड हो गया। तो नॉन मेटोलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर, मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो दोनों होता है, एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। तो वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स देख लो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो वैसे मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दो नंबर में पूछता है, एग्जाम्पल देख लो, अल्मोनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, इसको भैया रट लेना। जैसे देख लो एक एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया है, अल्मोनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराए HCl से। तो देख लो अल्मोनियम क्लोराइड वाटर बन गया, वही अल्मोनियम ऑक्साइड को NaOH देखो अब बेस से रिएक्ट करा है, तो देख लो सोडियम अल्मोनेट एंड वाटर बन गया। तो दोनों से रिएक्ट करता है, तो ऐसे ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोट्रिक। क्लियर हुए, आगे बढ़े। देखो क्या कहता है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोलेबल इन वाटर बट सम डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। अभी जो बार बार पहले हम बोल रहे थे अल्कली मेटल, अल्कली तो जनरली क्या होता है, बेस जो बोलते हो, बेसिक जो बोलते हो, पढ़े हो ना एसिड बेस में, तो बेस को दो कैटेगरी बांटा है, माने दोज बेस व्हिच डज नॉट डिजोल्व या डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, तो उसको सिंपली बेस कहा जाएगा। और दोज बेस व्हिच डिजोल्व इन द वाटर यानी सोल्यूबल है इन वाटर में, तो उसको अल्कली कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑल द अल्कली इज बेस बट नॉट ऑल द बेस इज अल्कली। समझ में आया मेरी बात, हम क्या बोले? हाँ बोलो, माने ऑल अल्कली इज बेस बट नॉट ऑल द बेस इज अल्कली, माने वही बेस जो वाटर सोल्यूबल हो तो उसको अल्कली बोलोगे, और जो वाटर सोल्यूबल नहीं है सिंपली उसको क्या बोलोगे आप, बेस बोलोगे। जैसे देखो सोडियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड, ये देखो सोडियम ऑक्साइड को वाटर में देखो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एस का मतलब सॉलिड होता है, आई का मतलब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म, और ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर में डिजोल्व है, वो जो बेस, ये जो मेटल ऑक्साइड कहाँ डिजोल्व हो गया, वाटर में। तो कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजोल्व होता है तो वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो क्या कहता है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। माने हमने क्या बोला कि ऑल द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, लेकिन सबकी रिएक्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होता है। अब रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करोगे, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब कितनी जल्दी लूज करेगा वो डिपेंड करता है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब कोई एलिमेंट को सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर दो होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड में डबल हो जाएगा ना, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा आता है तुम्हारा कि किस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है,
तो जितना दूर जाओगे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी भी क्या होता है बढ़ने लग जाता है। जिसे हम एक एग्जांपल से उतना तो डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री रिएक्टिविटी पर ही डिपेंड होता है। अब जैसे देख लो, अब ये सोडियम देखो 281, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है। पोटासियम देख लो 281, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी अगर देखोगे तो पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, दोनों को एक ही लूज करना है। क्यों? आप देख लो, ये कहां पे है? थर्ड ऑर्बिट में, 1 2 3। ये कहां है? देखो फोर्थ ऑर्बिट। तो यानी फोर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या? न्यूक्लियस से दूर हो गया। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, लूज कर देगा। ये देखो ये न्यूक्लियस के, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है। वही एक ये होता है, तुम्हारा ऑर्बिट नंबर डिसाइड करता है रिएक्टिविटी। तो जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली हो जाएगा ये जो रिएक्टिविटी जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। देख लो इससे निकाल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट। एक दूसरा होता है, एक केस और देखो, ये मैग्नीशियम देख लो तो 12 होता है, तो 282 देख लो आप, यहां पर ऑर्बिट नंबर सेम है। लेकिन आप देख लो सोडियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम 2 करेगा। हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सपोज करो 1 जूल एनर्जी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए? 2 जूल। तो सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो एक रिएक्टिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करना है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी के आधार पर बोलते हो ना कि सोडियम एक्सपोज टू द एयर इट विगरसली बर्न, बट मैग्नीशियम डज नॉट। तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो पहले उसको एनर्जी दोगे तब ना लूज करेगा। और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो एटमोस्फियर में है। इसलिए हमेशा सोडियम को केप्ट अंडर द किराइसन वाल, ओपन रखोगे तो वो क्या होगा? बर्न करेगा एयर में। देख लो पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली एंड कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, अगर उसको ओपन रखोगे तो कैच फायर। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। तो नहीं, यहां पर पोटासियम ज्यादा हो जाएगा, अभी ना समझाएं, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लेकिन पोटासियम का इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, इसका कहां है? थर्ड ऑर्बिट में। दूसरा देखो, मेटल रिएक्ट विद द वाटर, मेटल को वाटर से, तो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर जो मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल है जिसको आप अल्कली बोलते हो तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर वो मेटल ऑक्साइड अगर सोल्यूबल नहीं है तब वो देख लो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो मेटलाइज लो रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, थोड़ा सा यहाँ पर बेटा जानना है। तो ये रिएक्टिविटी हम सीरीज बताएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी क्या किया है, मेटल का कैटेगरी बनाया गया है कि कौन मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट है और कौन लो है, सबसे नीचे वाला। तो जो लो होता है तुम्हारा, जो मेटल लाइज लो रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। अब देखो पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर एंड हाइड्रोजन कैच फायर इमीडिएटली। अब यहां पर थोड़ा सा देखो क्या होता है, ये जो वाटर से रिएक्ट करता है तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ये हाइड्रोजन देखो हाईली इनफ्लेमेबल होता है तो कैच फायर करता है।
समझ में आ रहा है? देख लो यहाँ पर पोटासियम को वाटर से रिएक्ट कराया, देखो QOH एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तुम्हारा, हीट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह देखो कैल्शियम को वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, लेस वॉयलेंट, हीट प्रोड्यूस्ड लेस, नॉट कैच फायर। यहां पर क्या होता है कि हीट ज्यादा निकलता है जिसके चलते कैच फायर होता है, यहां पर हीट निकलता है कम रहता है इसलिए वो फायर नहीं होता है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। थोड़ा सा यहां पर समझो बेटा क्या होता है। इसे हमने बोला कि पोटासियम को वाटर से रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन गैस और वो कैच फायर करता है। क्या होता है जब ये रिएक्ट होता है तो इतना हीट निकलता है कि ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फायर कर। लेकिन सेम चीज देख लो जब कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट कराए, यहां भी हाइड्रोजन गैस निकलता है लेकिन वो कैच फायर नहीं करता है। तो जब हाइड्रोजन फायर नहीं करेगा तो वो वाटर में है ना, तो बबल बनेगा। अब जो मेटल अभी रिएक्ट नहीं किया है ये कैल्शियम, क्या होगा इस यहाँ पर स्टिक कर जाएगा और वाटर में क्या होगा, फ्लोटिंग करना शुरू कर देगा। तो ये याद रखना। देखो मैग्नीशियम देखो क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी फ्लोटिंग होगा, रिएक्शन होगा, कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट होगा, जब भी रिएक्ट होगा तो हॉट वाटर से, क्योंकि मैग्नीशियम तो ऐसे ही लेस रिएक्टिव है ना, तो उसको तो एनर्जी दोगे ना, तो कोल्ड वाटर में उतनी एनर्जी नहीं रहता है कि वो रिएक्ट करे हॉट वाटर में रिएक्ट। लेकिन रिएक्ट करता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोजन को बर्न नहीं करा पाता जिसके चलते बबल बनता है। तो रेस्ट जो अनरिएक्टिव जो मैग्नीशियम है वो स्टिक कर जाता है तो क्या होगा, वो फ्लोटिंग करने लग जाता है। अल्मोनियम आयरन जिंक रिएक्ट नॉट कोल्ड एंड हॉट वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये याद रखना, अल्मोनियम आयरन एंड जिंक क्वेश्चन पूछता है ना, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, जब भी रिएक्ट करेगा तो स्टीम वाटर से रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये देखो लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये एक्चुअली क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे रहता है। मेटल रिएक्ट विद द एसिड, देखो क्या करता है, मेटल डाइल्यूट एसिड को तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। जनरली क्या होता है कि मेटल को अगर आप डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्ट कराते हो, डाइल्यूट मीन्स क्या हो गया, एसिड की मात्रा कम, वाटर ज्यादा, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, उस सॉल्यूट्स की मात्रा ज्यादा है वाटर कम है तो उसको कंसंट्रेटेड बोलते हो। लेकिन वहीं पे अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस कहता है कि नहीं बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड जो होता है दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और उस हाइड्रोजन को क्या करता है, बनता है लेकिन निकलता नहीं है, फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू द वाटर और अपने क्या होता है रिड्यूस्ड होके बना देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO N2O या NO2। तो वही देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हम बोल दिए थे, रिड्यूसिंग एजेंट, गलत बोल दिए थे, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो वो NO बन जाएगा या तो N2O बनेगा या तो NO2 बन जाएगा। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जस्ट उल्टा देख लो, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता है। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन तो बनता है नाइट्रिक, ये क्या होता है ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया H2O, ऑक्सीडाइज का मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन का एडिशन, और वो नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ क्या होता है रिड्यूस्ड हो जाता है यानी ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो वो या तो NO
या तो NO2 या N2O बना देता है। ये याद करने का चीज है, कर लोगे? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ तो बोलो, आगे बढ़े। ये देखो क्या कहता है, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब आदमी पढ़े हो, केमिकल रिएक्शन, यही रिएक्टिविटी सीरीज बेटा हम बार बार कर रहे थे। ये इसको जैसे भी हो रट जाना। अब देखो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो पोटासियम सबसे ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव देख लो। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, HgAgAu, इतना तुमको याद रखना है। तो ये हाइड्रोजन से जो नीचे होता है, बिलो हाइड्रोजन, तो उसको कहा जाता है लेस रिएक्टिव। ये बीच में जो देख रहे हो तुम्हारा, ये इसको मॉडरेट कहा जाता है, और इसके ऊपर वाले को कहा जाता है हाईली रिएक्टिव। आप पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो यही चीज यहां पढ़ना है। देखो मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स साल्ट। देखो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन ए सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, जो भी हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, देखो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल बी। क्या होता है यहां पर देख लो, हालांकि इसका डिटेल अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो केमिकल रिएक्शन हमने बताया है उसमें देखो ना, बड़ी अच्छा से समझाए हैं। कभी कभी सुनते हो ना, दो बच्चे की माँ अपनी प्रेमिका के साथ भाग गई। क्यों भागी बताओ? दो बच्चा भी था, और दो बच्चा कम से कम 2-4-5 साल तो उस पहले पहले पति के साथ रहा होगा, 5 साल के बाद भाग गई। क्यों भागा? सेम चीज होता है यहाँ पर। जिसे सपोज करो ये ए बी कोई कंपाउंड है, तो ये सपोज करो ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये दोनों कंपाउंड बना लिया, दोनों समझदारी किया होगा, समझौता किया होगा ना, बन गया। कहां ना कहां से ये डी आया। अब ये डी जो है ये बी को रिझाने लग गया, और एक समय आया कि ये क्या किया, ये अलग हो गया और ये डी बी कंपाउंड बन गया। तो देख लो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डी जो है मोर रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन। ए जो इसको सहूलियत देता था बी को, उससे ज्यादा ये दे रहा है, इसीलिए ना छोड़ा बी ए को। तो केमिस्ट्री की भाषा में सहूलियत माने ज्यादा मोहब्बत, डी देने लग गया, ए को लात मारा, डी से समझौता कर लिया, नया कंपाउंड बना दिया डी बी, ए को अलग कर दिया। तो यहां पर केमिस्ट्री में इसी को कहते हो मोर रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव कैसे होगा, देखो ये कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम कैल्शियम, देखो इस तरीके से करेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि ये कॉपर जो है आयरन के साल्ट से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा या जिंक के साल्ट को डिस्प्लेस कर देगा। देखो यहीं पर दिया है रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, इसी को कहा जाता है रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। देखो ना ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है इस तरीके से रिएक्टिव, सबसे लिस्ट यहाँ आ गया। तो ये याद करना, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो आपके NCERT में देखोगे जो ये मेटल कंपाउंड है, तो एक तुम्हारा अल्मोनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, बराबर क्वेश्चन पूछता है इस पर। अब देख लो ये जो कॉपर होता है जनरली कॉपर सल्फेट, तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये आयरन देख लो, ये FeSO4 फेयर सल्फेट के रूप में, ये इसका देख लो ये पेल लाइट कलर होता है या येलो बोलो। बाकी ये देखो जिंक सल्फेट या अल्मोनियम सल्फेट, ये Al2SO4 का होल 3,
ये दोनों कलरलेस होता है बेटा, अल्मोनियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट कलरलेस। आपको याद क्या करना है, आयरन सल्फेट पेल लाइट या येलो कलर और एक कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, यही याद करना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ब्लू कलर का कोई सॉल्यूशन है, उसमें जिंक का रॉड डाला गया तो कुछ देर के बाद उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया और उस रॉड में होल आ गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, मान लो ये कोई कंटेनर था और इसमें ब्लू कलर, तो ब्लू का मतलब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, अब ये जिंक रॉड डालोगे तो यहां पर क्या हो गया, इस कॉपर से ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, तो अब जो सॉल्यूशन बनने लगा वो ZnSO4, तब तक कलरलेस हो गया, इसलिए ब्लू कलर फेड हो गया। और यहां से ये जो पोर इसमें था तो वो जिंक कहां चला आया, यहां आ गया, कॉपर यहां पर डिपॉजिट होने लग गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नोट हम दिए हुए, देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन देखना, 3 पेज नंबर 46 एकदम मस्ट बना लेना, पूछता ही है बराबर परीक्षा में, 3 नंबर में क्वेश्चन इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इनसाइड है NCERT, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 46। हाँ नहीं, यही 4 सॉल्यूशन पर ही क्वेश्चन आता है बेटा, तो जिसमें 2 का कलर है, 2 कलरलेस है, अल्मोनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, खाली आयरन सल्फेट का पेल लाइट या येलो याद रखो और दूसरा कॉपर सल्फेट का। बहुत क्वेश्चन इस पे आता है भैया, बड़ी डिटेल में हम आपको केमिकल रिएक्शन में इसके बारे में बताए हुए। देख लो नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो ऑक्साइड यहां भी बनेगा, नॉन मेटोलिक ऑक्साइड, जैसे ये कार्बन को ऑक्सीजन से, तो ये CO2, यहां पर क्या होगा, इसको अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये एसिड बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना नॉन मेटोलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, मेटोलिक ऑक्साइड मोस्टली मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ये चीज तुमको याद रखना है। इतना आपको भैया केमिकल ये प्रॉपर्टीज पढ़ना था। हाँ आता है क्वेश्चन इससे, अब इसके बाद देखो आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। यहां पर ये नहीं पढ़ना है कि मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल से करा रहे हो, दोनों कैसे कंपाउंड बनाता है मेटल नॉन मेटल। अब यहां पर देखो हमने शुरू में आपको बताया था कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दाता हो गया ना, नॉन मेटल क्या है, गेनर, तो भिखमंगा हो गया ना। इसलिए जब मेटल नॉन मेटल कंपाउंड बनाता है तो देखो कि सबसे पहला जो नाम आता है वो मेटल का, जिसे बोलते हो सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम में कोई छेड़छाड़ नहीं, वो दाता है ना भैया, ऑक्सीजन में देखो छेड़छाड़ कर दिए, ऑक्सीजन लेके क्या बोलते ऑक्साइड। जब तक कर्जा नहीं दिए थे तो जी, जैसे आप कर्जा दे दिए अब तो कर्ज खोर हो गया आपके अंडर में, कि रे देवे की ना पैसा, अब रे बोलने लग गए, तो ऑक्साइड क्लोराइड फॉस्फाइड, देख रहे हो कैसे नॉमिनिकेचर बदल जाता है। तो यहां पर यही आपको पढ़ना है कि मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है तो उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। अब देख लो जो कंपाउंड होता है तो वो दो तरह से फॉर्मेशन होता है, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने शुरू में बताया था मेटलॉइड एलिमेंट, तो जब शेयरिंग करके कंपाउंड बनाएगा तो वैसे कंपाउंड को कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड, जिसके बारे में हमने कार्बन कंपाउंड में डिटेल में चर्चा किया हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मीन समझौता करना भैया, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड। यहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड बोलो। तो यहां पर क्या कहता है, एक देख लो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है समझौता कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको, दूसरे एलिमेंट को। तो यहां पे जो समझौता होता है जो बॉन्ड बनता है तो उसको या तो बोलो आयनिक बॉन्ड या उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
आयनिक इसलिए कहा जाता है कि वो आयंस के द्वारा ही प्लस माइनस हो जाएगा ना, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। अब जो बाउंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो प्लस माइनस बांध देगा। देयरफॉर इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बोलते हो। आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हुआ है, एक फॉर्मेशन ऑफ NaCl और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और इस दो में से एक रहता है परीक्षा में तीन नंबर में। तो देख लो करना क्या है उसमें, जैसे देख लो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, यहां पर देख लो जैसे ही क्लोरीन सोडियम के पास आएगा, सोडियम को बोलेगा दे ना लूज करना इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ऐसे ही थोड़ी लूज करेगा, क्लोरीन पर विश्वास करेगा ना कि हाँ भाई तुमको मैं दे सकता हूं, तो सोडियम लूजिंग करेगा। देख लो यहां पर ये सोडियम जो है थोड़ा सा एनर्जी लेगा। अब ये देखो ये सोडियम प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब वहीं पे क्या करेगा ये क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को लपक लेगा, क्या बना दिया Cl माइनस। देख लो तो ये प्लस और ये माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके चलते पास पास आ जाएगा। तो यहां पर जो कंपाउंड बना है वो किसके चलते बना है, प्लस और चार्ज के चलते, इसीलिए इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। तो देख लो अब यहां पर देखो सोडियम 2H1 जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, देख लो जैसे ही लूज किया 2H हो गया, क्या बन गया सोडियम केटायन, क्लोरीन देख लो 2H7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया आप क्या हो गया 2H8 क्लोरीन एनायन। अब यही सोडियम क्लोरीन क्या बन गया NaCl। यहां पर आपके NCERT में दिखाया हुआ है कि सपोज करो यहां पर एक होता है तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, अब जैसे ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब क्लोरीन को देख लो ये देखो सात है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये क्लोरीन देख लो ये यहां दे दिया इलेक्ट्रॉन, यही आपके NCERT में दिखाया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको जैसे दिखाओ, और ये तुम्हारा क्या बन गया NaCl, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला नहीं समझे, जिसे माने इलेक्ट्रॉन के रूप में आप दिखाओ, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना, जिसे हम एग्जांपल दे रहे हैं जिसे ऑक्सीजन देख लो यहाँ पर, तो तोड़ो उसको 2H6 तो 6 है, ये देखो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। जिसे एक 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 एग्जाम्पल और लो, क्या ले जिसे देख लो H2O का ले लो, आपको आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला लिखिए, तो देख लो ऑक्सीजन मान लो एक एक कर दिए 6 हो गया ना, अब हाइड्रोजन देख लो एक ये देखो यहां चलाया पुर गया ऑक्टेट पूरा बना दिया कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला हुआ बेटा, आता है इस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कोई दिक्कत बोलो। ये देखो क्या कहता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज NaCl। तो सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, ये एज ए मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो क्या होता है देख लो इस तरीके से Cl देख लो, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एग्रीगेट ग्रुप बना देता है,
उसी तरीके देखो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड देख लो, ये मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देख लो। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम, तो क्लोरीन आया तो कहेगा नहीं तुम तो एक लोगे ना, तो दो को क्लोरीन आओ ना, तब देख लो टू क्लोरीन आया और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके टू सी एल माइनस बन गया। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके चलते कंपाउंड क्या बन गया MgCl2। देखोगे आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी दिखा सकते हो, ये Mg है तो देख लो ये Cl, ये Cl, तब देखो एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया ना, ये साइन होता है ट्रांसफर का, देख लो बन गया कंपाउंड, यही बन के क्या बन गया MgCl2। तो ज्यादा नहीं रिसर्च करना है इस पर, ये दो में से एक रहेगा बेटा। अब देख लो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल, थोड़ा याद करना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देख लो क्या कहता है, फिजिकल नेचर में आओ, सॉलिड और हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बहुत ज्यादा, इसलिए वो सोडियम और क्लोरीन क्या होता है एकदम नजदीक आ जाता है, गैप नहीं रहता है, फ्री आयंस नहीं रहता है। तो देख लो क्या होगा सॉलिड और हार्ड, क्यों, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, ब्रिटिल एंड ब्रेक इंटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लो हाई होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी देखो सोल्युबल इन वाटर एंड इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पर क्वेश्चन पूछता है। आयनिक कंपाउंड कहता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि उस सॉलिड जब स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा प्लस माइनस में है कि वो आयंस मूव ही नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही उसको मेल्ट करोगे थोड़ा सा गैप बढ़ता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, आयंस फ्री हो जाता है, देयरफॉर दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यही चीज यहां कहता है, देख लो इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट, क्या हो गया यार, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा आ गया था, ये समझ में आया कि मैंने आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, बट इन मोल्टेन स्टेट में दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, जैसे वो डिसॉल्व होगा क्या होता है, वो जो इंटर आयनिक जो फोर्स होता है थोड़ा सा वीक होता है, तो जैसे थोड़ा वीक होगा आयंस फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ द आयंस, फ्री आयंस, therefore they conduct the electricity। Because electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions overcome due to the heat। ये इतना, अब आ जाओ occurrence of metal, यानी अब आप धीरे धीरे कहां जा रहे हो, extraction of the metal, पांच नंबर का क्वेश्चन बेटा यहां से आता है।
ये याद रखना है। तो उससे पहले देखो जो मेटल जो है नेचर में कैसे रहता है, तो मेटल जो अगर नेचर में है तो उसको मिनरल कहा जाता है। देख लो क्या कहता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, या सिंपल वे में बोल सकते हो एनीथिंग व्हिच प्रेजेंट इन द नेचर इज कॉल्ड मिनरल। अब वो जो एलिमेंट या कंपाउंड है और उस एलिमेंट और कंपाउंड का परसेंटेज कितना है उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर एरिया में परसेंटेज कितना है, वो डिसाइड करता है कि वहां से मेटल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, उसी को ओर कहा जाता है। देखो ए मिनरल्स फ्रॉम मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, यानी ये कॉमर्शियल लेवल पे, जिसे एक एग्जांपल हम समझाते हैं ध्यान से देखो, जिसे कभी कभी कहते हो ना कि हमारे एरिया में पानी में आयरन ज्यादा है, तो हो सकता है तुम्हारे हेल्थ के लिए वो आयरन ज्यादा हो, लेकिन टाटा बिरला के लिए वहाँ आयरन ज्यादा नहीं है, यानी वो मिनरल रहेगा, वो और नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल समझो, सपोज करो आप तालाब में नहाने गए, पौंड में नहाने गए, और आपके पॉकेट से 5 रुपये की सिक्का गिर गया, जब बाहर आए तो पता चला कि 5 रुपीज आपका वो पानी में गिर गया है। आप एक मारवाड़ी बुद्धि लगाओगे कि उस 5 रुपया को निकालने के लिए अब वहाँ जहाँ पे आप बात किए वहाँ की पूरी मिट्टी को बाहर लाना पड़ेगा, फिर उस मिट्टी में से उसको निकालोगे, फिर उसको धोओगे, तो आप जोड़ोगे कि वो मिट्टी निकालना, मिट्टी में से फिर अलग करना, तो वो 5 रुपये 25 पैसा खर्चा रहा है, तो आप क्या कहोगे, नहीं बेटा तू अब मिनरल ले रहा, तो और नहीं हो सकता है। और का मतलब क्या होता है कि मैंने जहाँ आप जहाँ मेटल निकालते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशरी हो, तभी ये वो मिनरल और होता है, नहीं तो अदरवाइज वो मिनरल ही रहेगा। जिसे अभी सुने होंगे कहीं पे ONGC जो है वो ऑयल मिला था, क्रूड ऑयल, ONGC गया वहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी किया, जब टोटल कॉस्ट निकाला तो अभी जो मार्केट में जो कॉस्ट है उससे डबल पड़ रहा था, तो वो ONGC क्या किया, फिर उस गड्ढे को ढक दिया, कहा बेटा अभी तो मिनरल रहो, जब मार्केट में ये रेट आ जाएगा जिस रेट पे अभी हम हुआ है तब तू ओर कहलाएगा। तो यही डिफरेंस होता है मिनरल एंड ओर में। ये देखो ये मेटल कहता है ऑकर्स इन 2 स्टेट, नेचर में जो है 2 स्टेट में पाया जाता है, एक होता है फ्री स्टेट या उसी को नेटिव स्टेट बोलते हो। फ्री स्टेट नेटिव स्टेट का मतलब क्या हो गया कि वो किसी से रिएक्ट नहीं किया है, तो कौन सा मेटल होगा, वेरी लेस रिएक्टिव, जिससे तुम्हारा कॉपर हो गया, Au हो गया, Az हो गया, ये सब लेस रिएक्टिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो कौन इसे ब्याह करेगा, तो ये फ्री स्टेट में रहता है। दूसरा होता है तुम्हारा कंबाइंड स्टेट, देख लो रिएक्टिव मेटल्स एज ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट। जो रिएक्टिव मेटल होता है माने रिएक्टिव का मतलब क्या है कि दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तुरंत वो कंपाउंड बना लेता है, तो या तो वो ऑक्साइड के रूप में रहेगा या कार्बोनेट के रूप में रहेगा या सल्फाइड के रूप में नेचर में रहता है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस एलिमेंट फाउंड इन नेचर एज ए फ्री स्टेट बट दिस एलिमेंट डज नॉट, आंसर दे देना, जो फ्री स्टेट है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, जो कंबाइंड स्टेट है बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। देखो यहां पर नोट में क्वेश्चन भी हम दे दिए, देखो माने क्वेश्चन इस पे पूछता है कि क्यों कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है और कुछ एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में रहता है। देखो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज फाउंड इन फ्री स्टेट, जैसे देख लो Au मतलब सिल्वर, नहीं गोल्ड, Az मतलब सिल्वर कॉपर। कंबाइंड स्टेट देख लो रिएक्टिव मेटल्स जो मोर रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से ऊपर वाला, तो वो या तो ऑक्साइड के रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में रहता है। अब आ जाओ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, और इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होते हैं तो इसी का एक नाम दिया जाता है मेटलर्जी, और जो प्रोसेस जो होता है तो उसको कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, की माइनिंग जो बोलते हो पढ़ाए, तो मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, कोर्स होता है तुम्हारा। अब थोड़ा सा इसको एक
समझा रहे हैं क्राइटेरिया पर कि मान लो एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज करो कहते हो कि आयरन बहुत ज्यादा है यहाँ के अर्थ क्रस्ट में, तो ये कोई भी कंपनी डायरेक्ट नहीं आवेगा, पहले वो सर्वे भेजेगा, सर्वेयर को भेजेगा। अब यहाँ से खुदाई करके वो निकालेगा, कुछ यहाँ से निकालेगा, अब यहाँ से वो क्या करेगा, उस मेटल कंपाउंड को अलग करेगा उस ओर को, क्योंकि उस ओर के साथ क्या होता है, इंप्योरिटीज रहता है, तो पहले तो इंप्योरिटीज को हटाएगा, मेटल कंपाउंड को कंसंट्रेट किया, अब उस मेटल कंपाउंड से मेटल को अलग करेगा, फिर उस मेटल को प्योरीफाइड करेगा, तब ना प्योर मेटल आएगा। अब टोटल प्रोसेस जोड़ेगा, तो मान लो ये इतने मेटल कंपाउंड से कितना मेटल निकला और ये प्रोसेस में कॉस्ट क्या आया, अगर देख लेगा कि कॉस्ट लो आ रहा है मार्केट के कंपैरिजन में, तब कह देगा कि नहीं ये यहाँ पर जो आयरन का जो भी कंपाउंड है वो ओर हो गया। अगर कॉस्ट ज्यादा आता तो कहता नहीं बेटा तू मिनरल ले रहा, ठीक है। तो जैसे ये सर्वेयर कह देता है कि नहीं ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिनरल ओर है, तब यहां से एक्सट्रैक्शन तुम्हारा शुरू हो जाता है। तो देख लो क्या कहता है, ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर एंड रिफाइन इट टू गेट द प्योर मेटल, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलो या मेटलर्जी कहा जाता है। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस में आओगे तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इनरिचमेंट ऑफ द ओर, ध्यान से देखो, जब इस एरिया से डिग करके तो बड़ा बड़ा लंप निकलेगा ढेला इस तरीके से, इसको क्या करोगे, क्रश करोगे, ग्रिंड करोगे, अब उसी ग्रिंड में क्या है तुम्हारा, वो ओर है पर्टिकुलर मेटल का, ओर मतलब मेटल कंपाउंड है। अब क्योंकि उस लंप में ढेला में तो बहुत सा तुम्हारा इम्प्योरिटीज है ना, वो इम्प्योरिटी फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, तो पहले तो वो जो इम्प्योरिटीज है एसोसिएटेड विद द ओर या मेटल कंपाउंड उसको अलग करो, पहला प्रोसेस। तो अलग करके तब ना तुमको मेटल कंपाउंड कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, तब फर्दर आगे का प्रोसेस होगा। तो पहला जो स्टेप होता है वो इनरिचमेंट ऑफ द ओर, या इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, या सिंपल वे में कहा जाता है ड्रेसिंग ऑफ द ओर। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू रिमूव द फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द ओर, ओर के साथ जो माने दो तरह से इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड रहते हैं, या तो फिजिकली फिजिकली उसको अलग कर लो, या केमिकली तो फिर केमिकली उसको अलग करना पड़ेगा। और वो जो इम्प्योरिटीज जो एसोसिएटेड रहता है क्या होगा, सैंड होगा, मोस्टली तो सैंड ही होगा, सिलिकेट रॉक्स छोटा छोटा, तो वो इम्प्योरिटीज को यहाँ पर एक नाम दिया गया है, गैंगो या गैंग इसको बोलता है, तो गंगुआ बोलोगे तो स्पेलिंग सही निकलेगा, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलो या इनरिचमेंट ऑफ ओर, जो भी बोलो इसको। तो पूरा चैप्टर बेटा लेना था ना, थोड़ा सा तो लगेगा आपको समय। ये देखो ये पूछता है क्वेश्चन गैंग का मतलब क्या होता है, देखो ओर्स यूजुअली कंटिमिनेटेड, यहाँ पर कंटिमिनेशन क्या होगा, या तो फिजिकली होगा या केमिकली होगा, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज सच एज देखो सॉइल सैंड इटीसी, इसी को गैंग कहा जाता है। अब यहाँ पर जो उस मेटल कंपाउंडर गैंग को, गैंग को रिमूव करना है तो कौन सा यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करेगा, वो डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग एंड द ओर। कहीं कहीं पे क्या होता है, वो गैंग जो है हेवी होता है, मेटल कंपाउंड लाइटर होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो इस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो देखो क्या करता है, रिमूवल बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। अब उसी में देखो पहला आता है हाइड्रोलिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, ये फोर्थ फ्लोटेशन फिर सिर्फ सल्फाइड ओर के साथ होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन या केमिकल और लीचिंग। तो ये एनसीईआरटी में उतना आपको नहीं दिए हुआ है, हाइड्रोलिक
सेपरेशन है, पानी का फुहार मारता है तो क्या होगा, पानी का थी मारोगे फोर्स मारोगे तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल होगा वो दूर हो जाएगा, हेवियर वहीं रह जाएगा, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसे ऐसे करके गिराओ तो लाइटर जो होगा वो हवा से दूर हो जाएगा, भारी नीचे गिर जाएगा, तो वही है। अब देखो ये इनरिचमेंट ऑफ ओर करने के बाद अब क्या बचा, तुम्हारे पास सिर्फ ओर बचा, तो इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब यहां पर क्या होता है कि अब उस ओर से तुमको मेटल बेटा अलग करना है। अब वो जो मेटल कंपाउंड है ये ए बी सपोज करो, और ये ए मेटल है और ये बी को अलग करना, तो ये बी इसको अलग ऐसे छोड़ देगा। अब इस बी को भी तो कोई चीज दोगे ना, कोई चीज दो सुटेबल, तो आप पढ़े हो अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये ए को बी तभी छोड़ सकता है जब इस ए से कोई ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस दोगे तब, तो रिडक्शन। तो मान लो सी लाए, तो ये सी जो है मोर रिएक्टिव देन ए है, देन क्या हुआ ये बी सी बन गया और ये ए अलग हो गया, ये मेटल आपने अलग कर लिया रिएक्शन। तो अब यहां पर क्या होता है कि डिफरेंट मेटल कंपाउंड जो होता है, अब जैसे सल्फाइड ओर बोले, ऑक्साइड ओर बोले या कार्बोनेट ओर बोले, तो सबका रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग होगा। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट जहां पे ये माइनिंग कर रहे हो तो वहां पे है कि नहीं है। अब मान लो पता चला कि इसका इसको हटाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए वो 500 किलोमीटर दूर है, तो आपका ये जो टोटल जो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस है ये क्या है, कॉमर्शियल प्रोसेस है। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तब तो फिर आपको घाटा लगेगा ना। तो क्या होता है ऑक्साइड ओर में ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए कार्बन या कोक, वो इजिली अवेलेबल होता है माइंस के नजदीक। तो यहां पे क्या कहता है, अगर कोई और अगर ऑक्साइड के रूप में तब तो कोई जरूरी नहीं है, बाकी अगर सल्फाइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है तो कहता है कि उसको कन्वर्ट कर लो ऑक्साइड के रूप में। तो यहां पर दो प्रोसेस होता है, ये देखो कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, देखो पहला होता है रोस्टिंग, हीटिंग ओर इन स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ एयर, यानी सिंपल वे में कह सकते हो हीटिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो जैसे वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये होता है सल्फाइड ओर के से, जैसे सपोज करो ये, अब इसको ऑक्सीजन देख लो, तो ये सल्फर का जो है ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होता है, तुरंत क्या होगा तुम्हारा ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ये SO2 देख लो, अब ये ऑक्साइड ओर बन गया। अब इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। उसी तरीके से कैल्सिलेशन होता है, हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर, यहां पर सिंपल वे में कह सकते हो इन एब्सेंस ऑफ द एयर, और ये किसके साथ होता है कार्बोनेट ओर के, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है, इसको हीट करो तो ये टूट जाएगा ZnO + CO2 में, देख लो आ गया ऑक्साइड ओर। अब यहां के आगे रिडक्शन शुरू करो, तो पहला तो मेन प्रोसेस ये तुम्हारा अपनी सुटेबिलिटी है कि आपने ऑक्साइड ओर को छोड़ के अगर दूसरा ओर है या सल्फाइड या कार्बोनेट तो उसको आप कन्वर्ट कर ले, लेकिन ये सप्लीमेंट्री है तुम्हारा। पहला जो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस हुआ वो इनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा होता है रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन क्या कहता है, टू गेट मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब उस मेटल कंपाउंड से मेटल को जो अलग करना है तो वो कंपाउंड से मेटल को अलग करने के लिए जो अदर एलिमेंट हो उसको हटाओगे ना, तो उसको हटाने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हो उसी को कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको बोला ना कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, उससे ज्यादा होगा तभी छोड़ेगा। तो फिर यहाँ पर मेटल को तीन कैटेगरी में बांटा है, सबसे पहला दोज मेटल व्हिच लाइज इन द बिलो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, बिलो का मतलब लेस रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन से नीचे, तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिविटी में, उसके लिए क्या होगा जो सबसे टॉप पे है। अब अपने टॉप पे तो उसके टॉप से कहां से लाओगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो यहां पर देखो क्या कहता है, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज,
अब जैसे यहाँ पर देखो, रिड्यूस्ड मेटल बाय हीटिंग एलोन, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, हमने क्या बोला, जैसे ये HG, ये बहुत लेस रिएक्टिव है, माने ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है बट दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो क्या होता है कभी कभी ये HG जो है सल्फर के साथ, सल्फर मजबूरी में इसके साथ एसोसिएट हुआ है, जब सल्फर को नहीं कोई मिला, मिल गया इसके साथ तो मजबूरी में है, जैसे सल्फर को उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा इसको छोड़ देगा, तो रोस्टिंग करवा दो ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सल्फर छोड़ देगा इसको। तो यही देखो, इस HGS को सीनेवार कहा जाता है, ओर का नाम है। देखो तो यहां पर हीटिंग एलोन, देखो माने हीट ही क्या होता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लो जैसे HGS को ऑक्सीजन पर हीट किया, देख लो HGO प्लस एसिड, ये रोस्टिंग हो गया। अब ये HGO देख लो, फिर फर्दर हीट करो, देख लो ऑक्सीजन निकल गया, HG मिल गया तुमको। उसी तरीके से क्यूपरस, क्यूप कॉपर सल्फेट है, देख लो ये यहाँ पर दूसरा स्टेप है इसका, देख लो ये रिएक्शन, पहले तो देख लो ये आया सल्फर, फिर इसको देख लो कॉपर आपका निकल गया, अब देख लो मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जनरली इसमें आता है आयरन जिंक लीड कॉपर ETCR मॉडरेटली रिएक्टिव। अब ये जो मिडिल सीरीज में जो पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये जो प्रोसेस जहां पे जिस पर इसको टेम्परेचर चाहिए ज्यादा, तो वो जो भट्टी जो होता है उसको कहा जाता है फर्नेस, हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, कोक या तो कार्बन होता है। तो जनरली जैसे आयरन हो गया, तो आयरन तो नेचर में आयरन ऑक्साइड के रूप में, बॉक्साइड जो बोलते हो, लेकिन माने ऑक्साइड के अलावा अगर सल्फाइड है या कार्बोनेट है तब उसको पहले क्या कर लो, या तो रोस्टिंग करो या तो कैल्सिलेशन करो। तो यहाँ देखो क्या कहता है, प्रेजेंट एज ए सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन द नेचर, कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्साइड ओर, तब कहता है माने कन्वर्ट ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लो, तब कहता है रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होता है वो कार्बन या कोक होता है। जैसे देख लो ये जिंक सल्फेट है, क्या किया है, रोस्टिंग करवाया है, क्या बन गया, देखो ZnO प्लस SO2। अब इस ZnO को देखो रिड्यूस कराओ, तो इसको जब रिड्यूस कराओगे देखो कोक के प्रेजेंस में, देखो ये CO और ये जिंक तुमको मिल गया रिडक्शन। उसी तरीके से जिंक कार्बोनेट का देखो, तो ये कैल्सिलेशन है। अब देखो क्या कहता है, टू रिमूव केमिकल इम्प्योरिटीज, यहाँ पे केमिकल इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको कहा जाता है फ्लक्स, और वो यहाँ पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज मिलके कम बन जाता है स्लग। NCERT में नहीं दिया बेटा, इसलिए हम थोड़ा सा उसको बता दिए हैं। फ्लक्स का मतलब हो गया दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन। अब देख लो एक आता है रिडक्शन विथ अल्मोनियम, अब अल्मोनियम तो अपने क्या है टॉप मोस्ट है ना, तो आई माने अल्मोनियम के नीचे जो होगा तो वही जिसमें देखो क्या कहता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक एंड थर्माइट रिएक्शन। क्या होता है, इतना ना हीट निकलता है कि इस रिएक्शन के थ्रू आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो, देखो ना ज्वाइंट रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ट मशीन। ये देखो मैग्नीज ऑक्साइड को अल्मोनियम कैसा, देखो तो MN अल्मोनियम ऑक्साइड, ये हीट, यही हीट यूज होता है यहाँ पर जोड़ने का काम। उसे देखो आयरन ऑक्साइड को देख लो, ये तो इसमें ज्यादा नहीं है, क्यों थर्माइट प्रोसेस इसको कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतना ना हीट निकलता है कि उस हीट का यूज कहां कर लेते हो, टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक और क्रैक्ट मशीन, देयरफॉर इट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। जनरली रेलवे ये केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। अब देख लो क्या कहता है, मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, से ये थोड़ा समझना है। अब वो मेटल वो खुद रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, तो उससे टॉप कहां से लाओगे, तब उसका एक ही वो है इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो यहां देख लो क्या कहता है,
बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जैसे अल्मोनियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का एफिनिटी जो है मेटल से ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द कार्बन, इसलिए ऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं छूटेगा अगर कोक यूज करोगे। अब एक एग्जाम्पल दिया, जैसे NaCl मोल्टेन स्टेट में देखो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड है, स्टेबल या तो इनर्ट होना चाहिए टेकन, देन इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ये आता है बेटा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देख लो क्या होता है, हमने क्या बोला, जिसे देख लो डायग्राम दिखाई दे रहा है, हाँ खत्म कर रहे हैं बेटा। ये देखो ये कंटेनर है, ये देखो ये जो यहां पर जो मोल्टेन स्टेट, देखो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट, इसी में से तुमको सोडियम को अलग करना है। और यहां पर देख लो दो इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, दूसरा कैथोड। जनरली क्या होता है, ये एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हो गया निगेटिव चार्ज, देख लो उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो देखो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, एक रिएक्शन तुम्हारा कैथोड पे होगा, दूसरा रिएक्शन क्या होगा एनोड पे होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराना है तो सबसे पहले तो ये NaCl टूटेगा ना, हो ये NaCl टूट क्या बन जाएगा Na प्लस और ये Cl माइनस। अब जैसे आयंस में कन्वर्ट होगा तो देख लो ये प्लस भागेगा माइनस के तरफ, अब माइनस भागेगा प्लस के तरफ, यानी सोडियम भागेगा किधर कैथोड के तरफ और क्लोरीन भागेगा एनोड के तरफ। तो यही चीज यहां पर दिया है कि देख लो यहां पर क्या कहता है, देखो एथ कैथोड पे देखो क्या होगा, ये सोडियम क्या करेगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था क्लोरीन लेके भाग, क्लोरीन से वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया सोडियम, और कहां ही डिपॉजिट होने लगेगा, इस कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एनोड पे देखो ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही ले लिया सोडियम, और लूज करके देखो क्या बना देगा क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये डायग्राम पूछता है, दिखाई दे रहा है डायग्राम, किसी को दिक्कत है तो बोलो। आगे बढ़े, अब देख लो रिडक्शन के बाद जो यहां पे मेटल मिलता है, तो खैर ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक कराए हो तो ये तो प्योर ही मेटल तुमको मिलेगा, लेकिन वो जहां पे रिडक्शन कोक के साथ कराए हो या अदर जो रिडक्शन है, तो वहां पर जो मेटल आता है वो प्योर नहीं होता है, तो थर्ड प्रोसेस जो आता है वो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल। और मोस्टली जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। तो दो क्वेश्चन आता है, टेलीफोन आता है तो देख लो दो आता है, एक हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अलग चीज हो गया, रिफाइनिंग अलग हो गया। रिफाइनिंग का मतलब हो गया टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल। तो इसमें देखो क्या होता है, जिसको जिस
मेटल को प्योर करना है तो वो इम्प्योर मेटल का एक थिक रॉड लिया जाता है, माने मोटा सा रॉड बनाओ। तो वो कहता है, देखो क्या कहता है, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, और ये थिक होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लो, ये देख रहे हो, ये थिक है तो ये एनोड का काम करेगा। और एक कहता है एक थिन रॉड लो प्योर मेटल का, वो कैथोड का काम करता है। ये देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कोई भी चीज ले सकते हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास का है, यहां पर कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। देख लो, प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, वो क्या होगा, थिन होगा। मेटल साल्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, आप कहता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये जो इम्प्योर मेटल में जो मेटल है तुम्हारा, वो क्या होगा, यहां से मेटल सपोज करो ये ए मेटल है, तो पहला रिएक्शन कहां होगा तुम्हारा, एनोड पे होगा। तो ये मेटल क्या होगा, यहां से ये ए निकल के भागेगा और ये आयंस में टूट जाएगा, ये ए प्लस में, ठीक है, भागेगा। और कहां भागेगा, प्लस हो गया तो कैथोड की तरफ भागेगा ना। अब जैसे कैथोड पे जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब फिर वो कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये कैथोड जो प्योर मेटल का जो रॉड है ये थिक होने लगेगा, ये थिन होने लगेगा, फिर ये बदलो इस तरीके से प्योर मेटल। तो वही कहता, देखो एट एनोड, जैसे कॉपर का एग्जांपल हम लिए, देखो ये कॉपर प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, जस्ट इसका रिवर्स कर दो एट कैथोड, वही दो, ये देखो ये यहां आ गया अब फिर ये यहां, इतना याद रखा। और जो इसमें इनसोलेबल जो इम्प्योरिटीज होता है, जो अदर जो इम्प्योरिटीज है, वो क्या होगा, इस एनोड के नीचे बैठ जाता है, इसी को एनोड मड भी कहा जाता है, याद रहेगा। देख लो, इनसोलेबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। भैया ये दो डायग्राम आता ही है, देख लेना, इसके बाद कोरेजन है, कोरेजन ज्यादा नहीं हम बताएंगे, सवादी पढ़ लोगे। कोरेजन का मतलब ये होता है कि वो मेटल जो डैमेज होता है, अगर उस मेटल को अभी पढ़े हो कि मोस्टली मेटल जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो अगर ओपन छोड़ देते हो, एयर में छोड़ देते हो, तो वो रिएक्ट करेगा, वो मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो वो मेटल ऑक्साइड तो मेटल को डैमेज करेगा ना, तो उसी को कोरेजन कहा जाता है। कुछ चीज क्या होता है, अगर वही सेम चीज आयरन के साथ होता है तो उसको रस्टिंग बोल देते हो, सिल्वर के साथ होता है तो टर्निस उसको बोल देते हो, टर्न, लेकिन प्रोसेस सेम चीज है, ठीक है। तो देख लो क्या करता है, ये देखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक एक्सपोज टू द एयर बिकॉज इट रिएक्ट विद द सल्फर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, कोट हो जाता है, जिसके चलते ये ब्लैक होता है। कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट, किसके चलते होता है, कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। अब यहां पर आता है प्रिवेंशन ऑफ द कोरेजन, तो टेंपरेरी प्रिवेंशन में आता है पेंटिंग, वाइलिंग, ग्रीजिंग, फिर देख लो परमानेंट करोगे तो गैल्वेनाइजिंग हो जाता है, क्रोम प्लेटिंग हो जाता है, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। गैल्वेनाइजेशन देखो ये आयरन के साथ किया जाता है, प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ द जिंक। एलॉयिंग देख लो क्या है, होमो जीनस मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल, जिसे स्टेनलेस स्टील, देख लो क्या क्या होता है, देखो आयरन, कार्बन, निकेल एंड क्रोमियम, ब्रास देख लो कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज हो गया कॉपर एंड टिन। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर इस एलॉयिंग में जो एक मेटल अगर मरकरी हो जाता है तो देन उस एलॉय को क्या बोलोगे, एमलगम कहा जाता है, ये याद रखना है बेटा, कोई कंफ्यूजन, बोलो आगे बढ़े। आ जाओ एमसीक्यू पे, देख लो क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी
ऑप्टेन ऑन द प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद द स्टील. अभी पढ़े हो आयरन मैग्नीशियम ये क्या होता है ना, कोल्ड हॉट वाटर से स्टीम से रिएक्ट करता है. तो वो जो आयरन ऑक्साइड जो बनता है वो क्या होगा, तो वो होता है तुम्हारा Fe3O4. हमेशा याद रखना ये. व्हाट हैपेंस व्हेन ए पिलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, जल्दी बोलो क्या होगा, क्या होता है. सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है ना बेटा, जैसे उसको वाटर में जो हाइड्रोजन गैस कैच फायर शुरू कर देगा, देखो क्या करता है. ये नहीं होगा कैच फायर लिखे वाले, ऑक्साइड कहाँ बनाएगा, क्योंकि वो जैसे सोडियम है, सोडियम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा ना वाटर में, एब्जॉर्ब हीट वो भी नहीं होगा. देखो कैच फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड, ये दो चीज देखना. कैच फायर सब में दिए हुआ है, ये तो ओबे नहीं करेगा क्योंकि तो यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब देखो क्या कहता है, पिक द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल. देखो Br इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल. ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक. ऑल ऑफ द एबव हमको लगता है क्या होगा गुरु, ऑल ऑफ द ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर, ये ब्रोम इन नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक भी है. व्हेन ए नॉन मेटल इज एलॉयड टू रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर से तो रिएक्ट ही नहीं करता है बेटा, नॉन मेटल कहाँ वाटर से रिएक्ट करता है, क्या होगा, नो प्रोडक्ट आर फॉर्म. वाटर से नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करता भैया, याद रखना. Which of the following pairs will give displacement reaction? अब देख लो display. कौन कौन सा pair देखो. FeSO4 solution. पकड़ो कैसे पकड़ोगे? Copper. ये iron तो more reactive है copper से, तो कैसे displace हुई? Copper इसको displace करेगा? नहीं करेगा. नहीं होगा. ये देखो. AgNO3 and copper. हाँ. ये Ag देख लो. Copper है more reactive than Ag. ये हो सकता है. COSO4 solution and silver भी नहीं होगा. Silver is less reactive than copper. क्या होगा आंसर? ये होगा आपका. अब NaCl solution and copper. NaCl कहाँ more reactive than the copper. देख लो. The highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium, etc. extracted by the क्या होगा? जो top पे होता है. तो कैसे extract करते हो? जल्दी बोलो. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड. यहां पर देखो ऑक्साइड दिए हुआ बेटा, ऑक्साइड से नहीं होगा. द प्रोसेस इन व्हिच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड. इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कैल्सिलेशन. Oxides of moderately reactive metal like zinc, iron, nickel, tin, copper, etc. are reduced by using क्या करते हो, carbon और coke. ये देखो. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with the thin layer of zinc. क्या हो जाएगा, C. Reaction between X and Y forms compound Z. X lose electron and Y gain electron. Which of the following properties not shown by Z has I melting point, conduct electricity in molten state. क्या कहता है देखो, ये एक्स वाई मिलके जेड बनाया, ध्यान से देखो. तो यानी ये लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, तो यानी आयनिक कंपाउंड बना. अब कहता है कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो जेड से नहीं शोन होता है. तो अभी पढ़े हो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में. ये देखो बी होगा, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये नहीं होता, हाई होता है. ये तो कर भी करेगा ऑकर्स एज ए सॉलिड स्टेट. बोलो, ये इतना क्वेश्चन था बेटा, समझ में आया है? बोलो कुछ तो बोलो.